प्रेस के साथ ही आप पहुंचे। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस विषय में बुलाई गई है कि आज हमारे INLD और BSP के जो साथी हैं, आज हमारे रानिया शहर के अंदर वार्ड वाइज कार्यक्रम चल रहे, आने वाले चुनावी प्रक्रिया को लेकर के किस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल रानिया की जो सीट है वो चौधरी ओम प्रकाश शुक्ला जी की जोड़ी में डालने का काम करेगी, और किस प्रकार से हमारे और BSP के साथी को हम मिलकर के आगे लेके जाएंगे, उन सारी बातों पे आज हमारे कार्यकर्ता साथियों से चर्चा है। प्रेस के साथियों को कोई सवाल है तो आप पूछिए। रानिया में जी जो हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, मेरे बड़े हैं, उन्होंने मेरे प्रति बहुत विश्वास जताया है, बड़ा प्रेम और प्रयास दिया है, और वही विश्वास चौधरी अभी सिंह जी ने मेरे प्रति जताया है। तो ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन जो प्रेम और प्यार मुझे मिला है उसको देखते हुए यहाँ से तैयारी मैं बताऊँ। देखिए जी, इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा दोनों ऐसे संगठन हैं जो आंदोलन की आग में तप करके निकले। BSP का बड़ा पुराना एक आंदोलन हमेशा से रहा है सोशल जस्टिस का, इंडियन नेशनल लोकदल का बहुत पुराना आंदोलन रहा है, हमने मुजारा आंदोलन से शुरू करी थी और आज भी हम किसानों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। दोनों पार्टियों ने पिछले 5 साल से अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के लगातार ग्राउंड पे काम करने का काम किया है। अब बड़ी खुशी की बात है कि अब उसी काम को हम आगे बढ़ाएंगे मिलकर के। हमारी तैयारी पूर्ण रूप से अच्छी तरह से है और 90 की 90 सीटों पे हमारी पूरी तैयारी। देखिए बचपन में मेरे ख्याल आपको सबको हम सबको एक चीज पढ़ाई जाती है, हमें रामायण भी पढ़ाई जाती है, हमें महाभारत भी पढ़ाई जाती है। जहाँ बात धर्म की और धर्मयोद्ध हो तो वहां पर परिवार नहीं देखा जाता। हमारी लड़ाई जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा को आगे बढ़ाने का, और आज प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल केवल एकलौती पार्टी है जो किसानों के हितों की बात करती है और जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करती है। जब लड़ाई विचारधारा की तो इसमें परिवार नहीं देखा जाता, हमारा धर्म बनता है कि हम उस लड़ाई को लड़े और उस लड़ाई को हम लड़ने का काम करते हैं। देखिए हम एक विचारधारा की पार्टी है, हमारी किसी से कभी लड़ाई नहीं और ना ही हम किसी के साथ अपना कॉम्पिटिशन मानते। हमारा केवल एक ही कर्तव्य है कि रानिया के अंदर, चाहे रानिया की बात हो चाहे हरियाणा की बात हो, जननायक चौधरी देवीलाल जी के विचारधारा को आगे बढ़ाएं, और हरियाणा प्रदेश के अंदर जैसे जिस प्रकार से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने विकास लाने का काम करा था, उस प्रकार से पिछले 20 साल से सिरसा पूरा काफी पिछड़ा हुआ है, रानिया काफी पिछड़ा हुआ है, हम वापस जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में कार्य होते थे उस प्रकार से वापस उन विकास कार्यों को लाने का काम करें। सबसे पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का एक सपना रहा है कि भाई सिरसा के हर घर तक, हर खेत तक भाई नहरी पानी पहुंचाने का काम करे, चाहे वो पानी घग्गर का हो चाहे वो राजकनाल का। उसी प्रकार से रानिया के अंदर भी नहरी पानी की आज बहुत बड़ी जरूरत है। हमारा राज बनते ही जिस प्रकार से पहले काम हुआ करते थे, आजकल तो सरकार बहाने मारती जी टेक्निकल दिक्कत आ गई, कोई और दिक्कत आ गई, फलाना डिले हो गया। उस समय में आप एक चीज देखिए, आज 10 साल हो गए हैं मेडिकल कॉलेज नहीं बन पा रहा सिरसा में। चौटाला साहब के राज में 2 साल के अंदर अंदर ही O2H तैयार हो गया था। कार्य तो उस प्रकार से होते थे, तो उसी प्रकार से वापस डेवलपमेंट के कार्य क्षेत्र के अंदर लाना ये हमारी एक प्रायोरिटी। उसी के साथ साथ आज नशा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, कोई ऐसा एरिया नहीं है इस पूरे जिले के अंदर, रानिया हल्के के अंदर और रानिया शहर के अंदर भी कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर नशा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी उन परिवारों को और जो खास करके जो पीड़ित है नशे से उनको मेडिकल हेल्प दी जाए, मेडिकल सुविधा दी जाए, सरकार की तरफ से नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाए, उनका खास मेडिकल ध्यान रखा जाए, साथ ही साथ सख्ताई बॉर्डरों पर करके इस नशे को रोका जाए। हरियाणा के अंदर नशा बनता नहीं है, ये सारा बाहर की स्टेट से आता है, और आज के दिन सबसे ज्यादा नशा पंजाब से आ रहा है। ये आम आदमी पार्टी जो है ये लगातार, इन्होंने बड़े वादे करे थे पंजाब के अंदर कि भी हम नशा रोकने का काम करेंगे, जहां इनको कहीं नशा रोकना चाहिए था
उसके बदले इन्होंने मुख्यमंत्री ऐसा बिठा दिया जो दिन में पीए बैठा होता है, ये आदमी कैसे रोकेंगे नशे। आज भी पंजाब के अंदर वो समस्या खत्म नहीं हुई और वो समस्या बढ़ बढ़ के हरियाणा के अंदर आ जा रही है। सब डिवीजन की मांग भी रही है और साथ ही साथ सारे नॉर्म्स पूरे भी होते हैं, ये भी एक हमारा बहुत मुख्य मुद्दा है कि आने वाले समय में यदि हमारी सरकार बनती है, जो कि आवश्यक रूप से बनेगी भी, हम रानिया को सब डिवीजन बनाने का काम करें। जो आपने नशे की बात करी, तीन दिन पहले वार्ड आपने एक युवक की मौत हुई नशे के साथ, ये एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना है कि भी इस प्रकार से केवल रानिया में ही नहीं, आप वार्ड की बात करें जी, मैं आपको बता सकता हूं कि कितने ऐसे गांव हैं, कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे परिवार हैं जो इससे आज पीड़ित हैं। ये एक समस्या एक कहीं एक वार्ड तक सीमित नहीं है, ये एक सामाजिक समस्या बन चुकी है। इसीलिए जैसे मैंने आपको कहा, आज उन बच्चों के जो इससे पीड़ित हैं, आज उनको मेडिकल सेवाएं देना बहुत जरूरी है। अगर नशा मुक्ति की बात करें तो पूरे जिले में नशा मुक्ति केंद्र सरकारी सिर्फ एक है सिविल हॉस्पिटल, उसके अलावा कहीं नहीं। कई पीड़ितों की अगर मदद करनी है तो ये तो ब्लॉक लेवल पर होनी चाहिए, ब्लॉक लेवल पर होंगे तभी जाके हम लोगों की मदद करते हैं। ये तो जी रैली आती है, कोई चुनाव आता है, कोई बाई इलेक्शन आता है, ये हमेशा बात चलती है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी विचारधारा की लड़ाई, और आज उनकी और हमारी विचारधारा मिलती नहीं है। उनकी जननायक चौधरी जी